हाय गाइस, वेलकम टू मैथ वीबीएन चैनल। एंड इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चन, कुछ 4 से 5 क्वेश्चन हैं रीजनिंग ट्रिक्स के, मिसिंग नंबर के, और डिफरेंट एग्जाम में ये आ चुके हैं, तो हम डिस्कस करेंगे। ये एक पैटर्न है आपके सामने शो हो रहा है, 7 3 2, और ये डिफरेंट है, हमने इसका आंसर निकालना है। अब इस पैटर्न के जो हैं वो आंसर हैं ये 58 51, इनमें से कोई ना कोई आंसर आना है। अब आपने देखना है कि यहाँ पर आंसर कौन सा आएगा, तो स्टार्ट करते हैं। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। देखें कुछ पैटर्न्स को हमने डिस्कस करना है, ये 7, ये 4, ये 2, ये स्मॉलर नंबर है, और यहाँ पे है 69, ये बहुत ही बड़ा नंबर है। सिमिलरली 3 9 1, और यहाँ पे 91 है, यहाँ पे 2 6 5, यहाँ पे आएगा क्या? अब इसको गौर से ज़रा चेक करें तो हम देखते हैं इसका आंसर किस तरह से निकाला है। या तो इन आप हॉरिजॉन्टल चेक करते हैं नंबर्स को, या वर्टिकल चेक करते हैं, लेकिन इस ट्रिक में हम देखते हैं कि कैसे किया है। इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें, 7 4 20 28, और उस 28 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 56 बनता है, ये नहीं बनता। तो ये देखें इसका आंसर है 7 स्केयर कितना होता है, 49। उसके बाद 4 का स्केयर ये चेक करते हैं, 16। उसके बाद है 2 स्केयर इज इक्वल टू 4, डेट्स इनको ऐड करते हैं, 6 9 15 एंड 4 19, 1 कैरी दे दिया, 4 5 एंड 6, ये तो 69 आ गया इनके स्केयर अप करने से। अब इस वाले को देखते हैं, 3 स्केयर जो है हमारे पास 9, उसके बाद 9 स्केयर है हमारे पास 81, उसके बाद है 1 स्केयर है हमारे पास वो 1 ही आता है, तो ज़रा इसको करें सम अप, ये आ जाएगा 91। तो यहाँ से हमें ये लगा कि इनके स्केयर लेने के बाद ये वाले आंसर आए, तो अब इसका स्केयर लेते हैं, 2 का स्केयर हमारे पास 4, 5 का स्केयर 6 का स्केयर 36, फाइन, और 5 का स्केयर हमारे पास आ जाएगा 25। इनको सम अप करते हैं, 40 एंड 25 होता है 65। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ गया 65, ये है एग्जैक्ट आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इस तरह का मेरे पास। तो गाइस ये है एक और पैटर्न, ये हमारे पास है 2 1 2, ये पैटर्न है, इसका हमने आंसर निकालना है। ये जो मैंने क्वेश्चन मार्क्स लगाए हैं, तो चलिए इसका ट्रिक देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे 2 है, ये 21 है, 1 है, और ये 20 है। कोई पैटर्न ईजी सा क्लियर सा पैटर्न नहीं बन रहा, तो हम यहाँ पे ट्रिक अप्लाई करने लगे हैं। हर क्वेश्चन का डिफरेंट ट्रिक होता है। ये देखें अगर हम इसको ऐसे करें, ये देखें 22, ये 20 प्लस 2 इज इक्वल टू 22, 22 और माइनस ये वाला 1 करें तो यहाँ पे हमारे पास 21 आया है, तो ये 21 इस तरह से आया है। अब हम यह क्या करते हैं, इसी तरह से 23 प्लस ये हम 23 प्लस 1 किया हमने, तो ये हमारे पास आ गया 24, और 24 में से ये 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस कर दिया, तो मेरे पास आ गया 22। ठीक है, सिमिलरली इस पे भी यही ट्रिक अप्लाई होगा, 43 प्लस 2 45, माइनस 5 करें तो हमारे पास जो आंसर बनेगा इसका 40। तो गाइज ये आपका आंसर 40 आएगा है इसमें, इस ट्रिक में। तो चलिए एक और ट्रिक, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं गाइज। एक और क्वेश्चन है ये वाला, 46 58 एंड 34, इस मिसिंग नंबर का हमने आंसर निकालना है, और इसके आंसर जो है वो है 92 72 22 एंड 68। तो गाइज इसको सॉल्व करना है हमने, इसका भी ट्रिक देखना होगा हमें कि ये किस ट्रिक पे काम करते हैं इस पर। तो देखिए ये है 34 46 58, या इधर से साइकिल घुमा लें या इधर से घुमा के देख लेते हैं। तो देखें अगर इसको 34 प्लस 12 करें तो ये 46 बनता है, ठीक है, उसके बाद 46 प्लस 12 करें तो ये आपके पास आ जाएगा 58, ठीक है, उसके बाद अगर हम 58 प्लस 12 करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 70 70। देखें यहाँ पर आंसर मौजूद ही नहीं है, देखिए इन फोर ऑप्शंस में 70 मौजूद ही नहीं है। तो हमने क्या करना है गाइस, अब हम ऐसे कर लेते हैं, इसमें से इसको यानी कि 34 माइनस 12 करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 22। तो 22 यहाँ पे आंसर मौजूद है, तो गाइस यहाँ पे -12, यहाँ पे 34 में से -12 होगा, 22 आंसर आ जाएगा। तो गाइज ये था इसका ट्रिक। एक और क्वेश्चन पे मूव होते हैं गाइज।
गाइस एक और क्वेश्चन है, ये मेरे पास है एक सर्कल, इसमें लिखा हुआ है 36, 25, 27 और ये, और इस नंबर का हमने आंसर निकालना है, यानी कि यहाँ पर नंबर क्या आएगा। तो चेक कर लेते हैं, देखें आप 36 है, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे है 27, यहाँ पे 23। तो हम अगर एक एक वैल्यूज को जंप ज़रा गौर करें इसको, और इसको आप गौर करें इस पैटर्न को, ठीक है। देखिए 25, उसके बाद 23, उसके बाद 21, ये मैंने तीन वैल्यूज़ लिख ली। उसके बाद अगर मेरे पास है यहाँ पे देखिए 36, यहाँ पे 27 से देखते हैं, 27, उसके बाद 30, उसके बाद 33, उसके बाद 36, कुछ ये वाला पैटर्न मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन ये नंबर नहीं है। तो देखिए इन दोनों में डिफरेंस कौन सा आ रहा है, इन दोनों में डिफरेंस है 2 का, इन दोनों में डिफरेंस है 2 का, ठीक है। अब आप देखें इसमें 27 में 3 प्लस किया, ये प्लस किया, ये माइनस हो रहे हैं, इनमें प्लस किया तो मेरे पास 30 बन गया, 30 में 3 प्लस किया तो मेरे पास 33 बन गया, अगर इसमें 3 प्लस करें तो ये 36 बन गया। तो इसका मतलब ये है कि इस पैटर्न में ये नहीं आता, 3 वाले पैटर्न में। अब 25 में देखें, 25 माइनस 2 23, 23 माइनस 2 21, उसके बाद इस पैटर्न में ये आ रहा है 21 के बाद माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 19। देखिए 19 मौजूद है यहाँ पे ए बी सी, तो ये हमारे पास 19 मौजूद है गाइस, इसका आंसर 19 आएगा। तो गाइस इस तरह से हम रीजनिंग ट्रिक्स करते हैं, कुछ जो है रीजनिंग ट्रिक के क्वेश्चन करते हैं मिसिंग नंबर के। तो आई होप कि आप लोगों को इसका आइडिया समझ आ गया होगा। हर क्वेश्चन को थोड़े से डिफरेंट एंगल से देखना होता है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिक आप अप्लाई करेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर ले मैथ पीबीएन चैनल को, इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए, एंड सर्ट सीबीएसई कोर्सेज के लिए, एंड मिसिंग ट्रिक्स और ये पजल्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।